अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे इस कोर्स के जो तो तीन शब्द हैं लीडरशिप पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस जिसके एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपने शब्द रखे। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम। आदरणीय अभिनय संस्था बुद्धे जी, श्रीमती रेखाताई महाजन, रविंद्र साठे जी, सुधीर मेहता जी, रवि पोखरणा जी, अरविंद रेगे जी, हमारे उमेश मोरे जी, देवेंद्र पै जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, विशेष रूप से उपस्थित जिन्होंने आज इस कॉन्वोकेशन के माध्यम से अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को हासिल किया है, ऐसे सभी बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि तीसरी और चौथी बैच के पदवीदान समारोह में आपके बीच उपस्थित रहने का अवसर मुझे मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभ और साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने के लिए इन्फॉर्म्ड हो, उनके पास लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान हो, मन में उसके लिए सम्मान हो और इसी प्रक्रिया के तहत हम देश को परमोच्च शिखर पर ले जा सकते हैं, इस प्रकार का विश्वास ये मन में हो, इस प्रकार की पीढ़ी अगर हम तैयार कर पाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे तो पिछले कई दिनों से हम सभी लोग लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में चीजें समझ भी रहे हैं, उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम लोग जो सारी चीजें पढ़ते हैं, मेरे जैसा कोई वक्ता आकर उसको अनपढ़ कर देता है, अनलर्न कर देता है। इसलिए मेरे बोलने में आपने जो सीखा उससे कोई विपरीत चीज आ जाए तो उसको भूल जाइए, और जो आपने सीखा है उसी को केवल याद रखिए। और ऐसे भी ये बड़ा कठिन होता है कि इतनी सारी चीजें सीखने के बाद कोई वक्ता आकर आपके सारे कोर्स को अपने चंद शब्दों में समाहित करे और आपको कोई ज्ञान दे दे, ऐसे बड़े चंद लोग होते हैं। एक प्रोफेसर एक क्लास में गए और क्लास में जाकर उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, मैं आप लोगों को चार वाक्यों में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सिखाने वाला हूं। तो लड़के बड़े अचंभित हो गए कि भाई, हमने तो इतना बड़ा एमबीए का कोर्स हाथ में लिया है और ये कहते चार वाक्यों में सिखा देंगे। तो कहा, सर बताइए। बोले, बहुत आसान है, आप एक फंक्शन में गए और आपको वहां पर कोई लड़की पसंद आई और आपने जाकर उसको कहा कि देखिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मेरा अच्छा घर है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो ये हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर आप में हिम्मत नहीं है और आपने अपने मित्र को भेजा और मित्र ने जाकर कहा कि देखो, वो जो कोने में बैठा है वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, सुशील है, अच्छी कमाई करता है, अच्छी नौकरी है, उसको आप पसंद आ गई है,
वो आपसे शादी करना चाहता है, तो बोले एडवर्टाइजिंग। आप दोनों की हिम्मत नहीं हुई और आपने जाकर उनका टेलीफोन नंबर ले लिया और फिर घर से जाके उनको फोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो बोले तो टेलीमार्केटिंग। और कहने लगे आपने पूरी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर वहां चले गए और बताया कि भाई मैं बहुत अच्छे घर का हूं, मैंने तो सब अच्छा किया है और मुझे आप पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूं। और उसने एक तमाचा जड़ दिया, तो एक कस्टमर फीडबैक, जैसे चार वाक्यों में उन्होंने उनको मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट सिखा दिया। मैं वैसे आपको सिखाना भी नहीं चाहता हूं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप, हम केवल लीडरशिप के लिए यहां नहीं आए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, तो जो लोग डायवर्सिटी को एक्नॉलेज कर सकते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडर बनते हैं। समाज की विविधता को अपनाकर उसको नेतृत्व देना, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। नहीं तो लीडरशिप तो हिटलर ने भी दी थी, किंतु वो ये मानते थे कि एक कौम है कि जिस कौम में केवल जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, राज करने का अधिकार है, दैट इज नॉट लीडरशिप। और दूसरी लीडरशिप जिसका उल्लेख विनय जी ने किया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लीडरशिप में डायवर्सिटी को पहचाना, और ये सारे डायवर्स लोग जिनमें से कई छोटे छोटे तबके से आते थे, जिनके अलग अलग प्रोफेशन थे, इनमें से कोई भी अपने आप में लीडर नहीं था, इनमें से किसी ने यह विचार नहीं किया था कि मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं स्वराज के लिए कुछ कर सकता हूं, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको प्रेरित किया, उनका पौरुष जागृत किया और वो सामान्य लोग असामान्य बने। और ये सारे लोगों ने मिलकर स्वराज की एक ऐसी सेना तैयार की कि जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार मुगल बादशाह ने अपने लोगों को पूछा कि मेरे पास तो अलग अलग देशों के सारे लड़ाके, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, सब जगह के लोग मेरे पास है, ईरान, और सारे प्रोफेशनल लड़ाके हैं, फिर भी ये शिवाजी महाराज में क्या बात है भाई, ये 5,000 लोग लेकर आते हैं और हमारे 50,000 की फौज उनके सामने हार मानती है। तो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े हैं, जो सैनिक है, ये वेतन के लिए नहीं लड़ते, आपके जितने आपने सारे सेनापति अलग अलग देशों से लाए हैं, इनके लड़ने की प्रेरणा क्या है, इनके लड़ने की प्रेरणा वेतन है, इनके लड़ने की प्रेरणा लूट है, इनके लड़ने की प्रेरणा भोग है। और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लोगों में ऐसा पौरुष जागृत किया है कि वो ईश्वर के लिए, धर्म के लिए और स्वराज्य के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो वेतन के लिए नहीं लड़ते। और जब प्रेरणा लेकर वो लड़ते हैं तो वो प्रेरणा उनको हमारे से अच्छा लड़ाका बनाती है और उसके कारण हमारे ऊपर वो विजय पाते हैं। हम प्रभु श्री राम जी को युग पुरुष मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि प्रभु श्री राम जी ये भगवान थे, तो भाई चमत्कार करके रावण को पराजित क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी युग पुरुष थे, वे आप में और हम में ईश्वर जागृत करना चाहते थे, उन्होंने डायवर्सिटी को एक्नॉलेज किया। और फिर व्यक्ति हो या वानर हो या प्राणी हो, समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने यह बताया कि असुरी शक्ति कितनी भी ताकतवर हो, उसको पराजित करने की शक्ति, ताकत और हिम्मत तुम में है। और ऐसे छोटे छोटे लोगों को लेकर सेतु तैयार किया, लंका पर वार किया और रावण को पराजित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि
डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो किसी का तिरस्कार नहीं करते। तू ये जात का है, तू समाज के इस तबके का है, तू इस धर्म का है, या तू पैसे वाला है या गरीब है, ये तिरस्कार नहीं होता। जो जैसा है उसको लेकर प्रेरित करके हम उसको जब नेतृत्व देते हैं, एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को प्रेरणा देना, ये लीडरशिप की सबसे छोटी डेफिनेशन है। जो लोगों को प्रेरित कर सकता है वो लीडर है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जीवन के किसी भी फील्ड में चले जाए, आप में से कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जा सकते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर्स के एड्स करके या उनके सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं, और कुछ लोग समाज के गैर राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं। क्षेत्र कौन सा भी, हर क्षेत्र में आवश्यकता लीडरशिप की होती है, नेतृत्व की होती है। और ये नेतृत्व अगर हम लोग तैयार कर पाए, आज हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जो हमारी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज को देखते हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज में डेमोक्रेसीज को देखते हैं, तो वहां ध्यान में आता है कि एक जो नेता होता है वो नेता अकेला यशस्वी नहीं हो सकता। वो नेता अपने आप को एक संस्था के रूप में तैयार करता है और अलग अलग प्रकार के लोग उसके नेतृत्व को आगे ले जाने के लिए उसको मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार से वो उसके लिए ज्ञान इकट्ठा करते हैं और वो भी उनको उतनी ही इज्जत देकर उनके ज्ञान का सम्मान करते हुए उस ज्ञान के भरोसे आगे बढ़ता है। और जब इन्फॉर्म्ड लीडरशिप किसी भी देश में तैयार होती है तो वो देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। आज हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि कई बार कई अच्छी चीजों को भी नकारा जाता है, कई अच्छी चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान। जैसे एक महात्मा ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, उनको जब पूछा कि भाई इतनी अगर आप कहते हैं कि ज्ञान है और सारी चीजें है तो फिर इतनी लड़ाई क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है? तो उनका अज्ञान के कारण है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले एक अंधेरे कमरे में दो लोग एक दूसरे से टकरा जाए और टकराने के बाद एक दूसरे को मारना शुरू कर दे और अचानक लाइट आ जाए और उनके ध्यान में आ रही है तो मेरा भाई है और वो अपने एक दूसरे के गले मिल जाए, उसी प्रकार से हमारे मन में अज्ञान है जो अज्ञान हमको समझने नहीं देता कि ये सारे लोग हमारे हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो फिर कोई हिंसा नहीं बचती। उसी प्रकार से हम जब गवर्नेंस का काम करते हैं तो गवर्नेंस में गवर्नेंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होता है वो सबको साथ में लेकर डिसीजन मेकिंग करता है, थोपता नहीं है। और कई बार ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समय लगता है, किंतु जब डिसीजन मेकिंग ये सब लोगों को साथ में लेकर विचार करते हुए हम लोग करते हैं, जब लोगों को लगता है कि वी आर द स्टेक होल्डर्स, हमारी बात सुनी गई है, फैसिलिटेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, तो ऐसा जो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होता है वो हमेशा फलदायी भी होता है और यशदायी भी होता है। इसलिए गवर्नेंस का सबसे बड़ा अगर कोई इंग्रेडिएंट होगा तो पार्टिसिपेशन है। और कई बार हम लोग और विशेष रूप से हमारे देश में चाहे वो नेता हो चाहे अफसर हो, हम सभी की मानसिकता यह होती है कि मुझे तो सब पता है, ये आकर क्या बताएंगे। और जब तक ये मानसिकता होती है आई विल प्लान फॉर अदर्स, ये तो सारे गरीब लोग हैं, इनको घर देना मेरी जिम्मेदारी, इनको समझता नहीं, मैं तो अच्छा घर इनको देना चाहता हूं, नहीं बनेगा घर। लेकिन उनको साथ में लेकर आपको घर क्यों चाहिए, मैंने क्या योजना लाई है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, ये जब हम समझाते हैं। मुझे याद है कि 1997 में मैं मेयर था
और हम लोगों ने उस समय तय किया कि नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्र में हम लोग हर घर शौचालय तैयार करेंगे। और एक शहर के अंदर पुराना एक गांव था, हमने कहा वहां से शुरुआत करेंगे, वहां पर एक भी टॉयलेट नहीं था, एक भी टॉयलेट नहीं। शहर था लेकिन शहर में 22 गांव आए थे, उनमें से वो गांव था। और वहां पर मैं गया और पहले लोगों से बातचीत की और मैंने उनको बताया कि आपको सिर्फ 365 रुपए देने हैं, बचे हुए पैसे हम देंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपके घर का एक आदमी ये शौचालय बनाते हुए काम करेगा हमारे साथ। तो पहले 4 परिवार सामने आए और जब वो 4 परिवार का शौचालय बनते हुए अन्य लोगों ने देखा तो धीरे धीरे सारे लोग सामने आना शुरू हुए। अब 365 रुपए मायने नहीं रखते थे, वो तो मैं भी दे सकता था, जब कॉरपोरेशन उस समय 5,000-7,000 रुपया खर्चा कर रही थी तो 365 रुपए भी खर्च कर सकती थी, किंतु हमने उनसे थोड़ा पैसा भी लिया, थोड़ा श्रम भी लिया और पहले 4 शौचालय तैयार होने के बाद गांव के सारे लोगों को लगा कि ये तो अच्छा है। और उसके बाद उस गांव के हर घर में शौचालय तो बना, लेकिन वहां की अनपढ़ महिलाएं वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी और उन्होंने हर स्लम में जाकर शौचालय का महत्व क्या है और क्यों उसको बनाना चाहिए ऐसा उस समय बताया। और नागपुर शहर में 14,000 शौचालय हम लोग उस समय बना पाए, ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम लोगों को 2 कदम पीछे हटना भी आना चाहिए। कई बार जो लीडरशिप होती है ना वो चीजों को ईगो बना देती है, ईगो, नहीं मैंने लिया हुआ फैसला, मैं कैसे पीछा हुआ, और फिर उसमें समाज और लीडर के आमने सामने आ जाते हैं। और इसे समाज को क्या चाहिए इसको समझकर कभी अपना इवेल्यूएशन करके 2 कदम अगर हम पीछे आ पाए तो मुझे लगता है कि इसका भी एक फायदा ही हमको होता है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो मोदी जी ने गवर्नेंस का जो मॉडल तैयार किया, देखिए गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने 1971 में दिया था लेकिन गरीबी हट नहीं पाई। गरीबी हटाओ के नारे के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं भी उस समय तैयार हुई किंतु वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई। मोदी जी की सफलता का राज क्या है, इन सारी योजनाओं को सीधे गरीबों से उन्होंने जोड़ा और हर योजना को गरीबों के मिशन के रूप में उन्होंने डिजाइन किया और गरीबों के लिए महोत्सव के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे लोगों को गैस देने की योजना हो, चाहे घर घर इलेक्ट्रिसिटी देने की योजना हो, हर घर जल की योजना हो, आप देखिए हर योजना का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो प्रधानमंत्री सीधे बात करते, योजना कभी ऐसे पहले होता था कि प्रधानमंत्री जी घोषित करते थे, नीचे किसी को पता ही नहीं होता था। अब प्रधानमंत्री जी एक समय योजना घोषित करते समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कम से कम 5 करोड़ लोगों को जोड़ते हैं, तो सीधे 5 करोड़ बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको योजना पता चलती है, तो उस योजना की ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी तैयार होती है और उनका पार्टिसिपेशन भी उसमें बैठता है। तो ये जो एक गवर्नेंस का मॉडल गरीब कल्याण की योजनाओं में मोदी जी ने लाया, हमारी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इस मॉडल के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि और मैच्योर हुई है। और मैं इसलिए ये मानता हूं कि आप सब लोग यहां से जाने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, उन क्षेत्रों में जाने के बाद ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इनको याद रखिए, पद्धतियां बदलती है, अपनी कार्य पद्धति भी विकसित होती है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल जो मूल तत्व होते हैं उनको मन में रखकर उनके परिपेक्ष में हम हमारी स्ट्रेटजीज को डिजाइन करें तो मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा सफल हो सकते हैं। और मैं ये आशा व्यक्त करता हूं कि जो ज्ञान आपने यहां से प्राप्त किया है, जो परिवर्तन आप में आया है, उस परिवर्तन को हम लोग
और अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश करें। कई बार ये होता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, जाते हुए संकल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अपने सपने भी हम लोग संजोते हैं, और समाज की वास्तविकता में जाने के बाद हम हार मान जाते हैं। वो सोचते नहीं जी, जो सीखा वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही चलने वाला है। ये जिस दिन हमारे मन में आता है ये ऐसा ही चलने वाला है, उस दिन हम भी पराजित होते हैं और हमारा समाज भी पराजित होता है। आप सभी लोगों ने चाणक्य सीरियल देखी थी, उसका एक वाक्य बहुत सुंदर है, आप में से कईयों ने सुना है। उसमें आर्य चाणक्य कहते हैं, इस राष्ट्र की जितनी दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। और समाज का वास्तव भी है, समाज में सज्जन शक्ति बड़ी है, लेकिन वो सज्जन शक्ति या तो हम सज्जन है इस अहंकार में चूर है, या हमको इससे क्या लेना देना है इस प्रकार की भावना में लिप्त है। ये सज्जन शक्ति जिस समय संगठित होकर अपना आविष्कार करेगी, उस समय दुर्जनता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो हम सारे के सारे लोग इसी संगठित सज्जन शक्ति का आविष्कार बने। इतना ही आप सब लोगों को निवेदन करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।